इंजीनियर स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से डिप्लोमा और बी बी टेक वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स एलिजिबल रहेंगे आपकी डायरेक्ट भर्ती रहेगी कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा सैलरी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फॉर्म में आपको जॉब्स अपडेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर नोटिस आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है यहाँ पर आप एडवीजमेंट नंबर देख सकते हैं बात करें आपकी वैकेंसी डिटेल के बारे में यहाँ पर आपकी किस पोस्ट पर वैकेंसी रहेगी टोटल नंबर ऑफ़ पोस्टें यहाँ पर आपकी क्या रहने वाली हैं कितना आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है अपर एज रेजिमेंट आपकी क्या रहेगी सैलरी यहाँ पर आपको क्या मिलने वाली है और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आपसे क्या मांगी गई है पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है इंजीनियर पोस्ट पर यहाँ पर आपकी टोटल चार पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी और दूसरी वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सुपरवाइजर पोस्ट पर और सुपरवाइज़र के लिए यहाँ पर टोटल छः पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी तो इन दोनों पोस्टों में अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपके पास दो साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और बात करें आपके पे लेवल के बारे में तो बी बी टेक वालों को सैलरी यहाँ पर बयासी हज़ार छः सौ बीस रुपये प्रति मंथ और डिप्लोमा वालों को सैलरी यहाँ पर छियालीस हज़ार एक सौ तीस रुपये प्रति मंथ मिलने वाली है आपकी वैकेंसीज़ को यहाँ पर कैटेगरी वाइज़ कैसे बांटा गया है तो ये चीज़ आप लोग एक बार यहाँ पर देख लीजिए अब बात कर लेते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है इंजीनियर पोस्ट पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपको बताया है अगर आपने फुल टाइम में बी बी टेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे और इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपके पास दो साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पर आपको बताया है एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ आर स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन वर्क पाइलिंग वर्क आर सी सी चिमनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज सच एज़ पावर प्लांट स्टील प्लांट सीमेंट प्लांट रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स और एनी अदर लार्ज स्केल इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इसके साथ ही यहाँ पर आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए एम एस ऑफिस और ऑटोकेट की और यहाँ पर जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है पावर सेक्टर का उन लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सुपरवाइज़र पोस्ट पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपको बताया है अगर आपने फुल टाइम में डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से और डिप्लोमा में आपके मिनिमम 60 परसेंट मार्क हैं आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट में भी अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपके पास दो साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एरियाज़ का और जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है पावर सेक्टर का उन लोगों को यहाँ पर प्रफ्रेंस मिलेगा और इसके साथ ही यहाँ पर आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए अगर आपने बी बी फिर डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं और एलिजिबल भी होते हैं आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करिए बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में तो इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए अपर एज लिमिट आपकी चौंतीस साल रखी गई है और इसके साथ ही यहाँ पर आपको एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलेक्सेसन मिल जाएगा जैसे एस सी एस टी को पाँच साल का ओ बी सी को तीन साल का और पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट को एज में दस साल का एज रिलेक्सेसन मिलने वाला है एज का कट ऑफ आपका एक पाँच दो हज़ार तेईस के हिसाब से लिया जाएगा बाकी सैलरी के बारे में तो हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया सैलरी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी मिलने वाली है अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा इसके लिए आपकी डिप्लोमा या फिर बी बी टेक में जो भी मार्क आए हैं और जैसा भी आपके पास एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और यहाँ पर आपको बताया है अगर यहाँ पर टोटल मान लेते हैं बी बी टेक वालों के लिए चार पोस्टें हैं तो इसके लिए टोटल यहाँ पर चालीस कैंडिडेट को ये लोग इन्वाइट करेंगे और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर छः पोस्टों पर वैकेंसी है तो टोटल यहाँ पर साठ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो बेसिकली यहाँ पर आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी और अब बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में अगर आप यू आर ओ बी सी या फिर ई डब्ल्यू एस कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर दो सौ रुपये अप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी बाकी की आपकी जो बची कैटेगरी एस सी एस टी और पी डब्ल्यू बी डी को यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस में छूट दी गई है बात करें आपके अप्लाई प्रोसेस के बारे में तो अप्लाई प्रोसेस यहाँ पर आपका ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों रखा गया है अप्लाई लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप लोग अपना फॉर्म ईजीली अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद में आपको करना क्या है आपको उसका प्रिंट आउट लेना है उसके साथ में आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उन सबको लेना है सेल्फ टेस्ट करना है और आपको भेज देना है इनके ऑफिशियल एड्रेस पर ये सभी डॉक्यूमेंट आपके तेरह जून तक इनके ऑफिशियल एड्रेस पर पहुंच जाने चाहिए और एड्रेस आप लोग यहां पर एक बार देख लीजिए जनरल कंडीशंस में आपको बताया है ओनली इंडियन नेशनल्स नीड टू अप्लाई यानी यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ में आप को कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अटैच करने हैं तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पर आप लोगों को दी गई है और बात कर लेते हैं आपकी इम्पोर्टेंट डेटों के बारे में तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके शुरू हो चुके हैं चौबीस मई से इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर आपकी आठ जून रखी गई है और जो लोग भी फ्लंग एरिया से बिलोंग करते हैं उन लोगों के एप्लीकेशन रिसिप्ट की लास्ट डेट यहाँ पर बीस जून रखी गई है फ्लंग एरियाज़ में आपके कौन कौन से स्टेट आते हैं तो ये एक बार आप लोग देख लीजिए तो जो लोग भी इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं एलिजिबल होते हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू शुक्रिया वीडियो को लाइक करें शेयर करें सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा जॉब सब्जेक्ट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें